नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। सन 1984 में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर कैसे राजीव गांधी ने अपने राजनीतिक सफर के दौरान लोगों के दिलों में खास जगह बना ली? आइए आपको सुनाते हैं। राजीव गांधी बचपन से ही अपने आसपास सियासत का माहौल देखते रहे। राजीव गांधी का बचपन तीन मूर्ति भवन में बीता। युवा सोच वाले राजीव गांधी को 21वीं शताब्दी के भारत का निर्माता भी कहा जाता है। आपको बता दें, 40 वर्ष में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की नींव रखने की दिशा में काम किया। उनकी पहली उपलब्धि राजीव गांधी की पहल पर अगस्त 1984 में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना की गई थी। उनकी दूसरी उपलब्धि थी वोट देने में उम्र सीमा घटाई गई। पहले पर देश में वोट देने की उम्र सीमा 21 वर्ष थी, मगर युवा प्रधान राजीव गांधी की नज़र में यह सीमा गलत थी। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र के युवाओं को मताधिकार देने के उनके देश के प्रति और जिम्मेदार और सशक्त बनाने की पहल की थी। उनकी तीसरी उपलब्धि की अगर हम बात करें तो देश में पहले कंप्यूटर आमजन की पहुंच से बहुत दूर था, मगर राजीव गांधी ने अपने वैज्ञानिक मित्र के साथ मिलकर देश में कंप्यूटर क्रांति लाने की दिशा में भी काम किया। राजीव गांधी ने इसी के साथ देश में पंचायती राज व्यवस्था को भी सशक्त किया। उनका मानना था कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था सफल नहीं होगी, तब तक निचले स्तर तक लोकतंत्र नहीं पहुँच सकता। उन्होंने अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव तैयार कराया। 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी उपलब्धियों में नवोदय विद्यालय खोले, जिससे गांव के बच्चों को भी उत्कृष्ट शिक्षा मिल सके। आपको बता दें कि राजीव गांधी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी उपाय किए हैं। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, जो कि पूरे देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण में विस्तार हुआ।